तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। सबसे पहले काइट के बारे में हम लोग पहले से पता है काइट क्या होता है। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एडजेसेंट जो साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे यह जो एडजेसेंट साइड ए बी है और यह सी डी, ये दोनों क्या है, इक्वल। फिर ए डी और सी डी भी क्या होता है, यहाँ पे इक्वल होता है। तो काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एडजेसेंट साइड इसमें इक्वल है। तो प्रॉपर्टीज इसका कुछ दिया हुआ है कि काइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। डायगनल्स जो होता है इसका डायगनल्स इसमें ए सी और बी डी, ठीक है। तो ए सी और बी डी दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मीन्स यह जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम लोग प्रूफ करेंगे इसका प्रॉपर्टी फर्स्ट कि कैसे है इसका दोनों डायगनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। सेकेंड है वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें दूसरा है कि एक डायगनल इन दोनों डायगनल यानी बी डी और ए सी का, ए सी और बी डी जो दो डायगनल्स है यह एक दूसरे को मीन्स कोई एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, बराबर बराबर हिस्से में कट करेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि AC जो है एक डायगनल उसको BD बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर हिस्से में बांट रहा है लगभग। इसको ही प्रूफ करेंगे हम लोग कैसे करते हैं। थर्ड है द ग्रेटर डायगनल डिवाइड्स द काइट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो ग्रेटर डायगनल है, जो बड़ा वाला डायगनल है BD, ठीक है, ये बता रहा है कि BD क्या करेगा, इस काइट को दो इक्वल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। तो एक एक करके इसके प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट इसमें द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगनल क्या दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है, गिवन है कि ए बी सी डी इज ए काइट। प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ प्रूफ करना है कि ए सी डायगनल्स, ये डायरेक्ट हम लिखते हैं भैया, ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शंस में क्या है कि हम लोग बी सी ए ए ड्रॉ द डायगनल्स, डायगनल्स ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी को ड्रॉ कर दिए हम लोग, ठीक है। ए सी और बी डी ड्रॉ कर दिया गया है। इसके बाद इसमें प्रूफ, अब प्रूफ का हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले लेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी, या ट्रायंगल ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ए बी सी को हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है एंगल, इसमें देखो इसमें या ए बी और बी सी दोनों इक्वल, हम लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो इसमें देखो यार, जो दो साइड अगर इक्वल हो गया तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल साइड पे अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बी सी और ए बी दोनों इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल बी बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्यों, अब यह अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स टू द इक्वल साइड, इक्वल साइड्स, ठीक है, यह अपोजिट एंगल्स है इक्वल साइड का। तो अब हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हो गए, कंसीडर ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, बी सी ओ, ठीक है। ए बी ओ और बी सी ओ हम लोग कंसीडर किए, तो इसमें क्या क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी सी,
डिफिनीशन से यह हो गया, यह दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी। नेक्स्ट इसमें देखो एंगल, यह दोनों इक्वल है, यानी एंगल ए एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ, बी सी ओ, और यह जो बी ओ है दोनों में कॉमन हो जाएगा, बी ओ बी ओ, बी ओ इक्वल टू बी ओ, क्यों यह कॉमन है। तो इस तरह से साइड एंगल साइड बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी ओ इज कंग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ओ, ठीक है। तो कंग्रुएंट हो गया, इसके बाद देखते हैं हम लोग यह दोनों कंग्रुएंट होने के बाद क्या है। अब इसमें यह जो एंगल है बी ओ ए और बी ओ सी दोनों इक्वल हो जाएगा, सो हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, बी ओ सी सी पी सी टी से, ठीक है, कंग्रुएंट पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, तो दोनों हो गए इक्वल। अब इसके बाद देखो जब दोनों इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ ए प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यह लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर पेयर। अब दोनों तो इक्वल ही है तो दोनों के लिए आप कोई भी लिख सकते हैं, तो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, बी ओ ए बी ओ ए दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, टू एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टू, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो यह हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो सेकंड है, सेकंड वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो देखो ये सेकंड वाले को यहाँ हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, सेकंड भी यहाँ प्रूफ हो जाएगा। यह दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ए बी ओ और बी सी ओ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, सिंस ट्रायंगल बी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ओ, सो ए ओ इक्वल्स टू सी ओ सी पी सी टी से, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल हो गया, जब इक्वल हो गया तो यह एक डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यह भी हो गया, द ग्रेटर डायगोनल डिवाइड्स द काइट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये थर्ड है, थर्ड को देखो, थर्ड अगर हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं तो थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी दोनों ट्रायंगल कंसिडर किए। अब इसमें यह देखो यह जो बी ए होगा यह बी सी के इक्वल होगा, तो लिखेंगे इसमें हम लोग बी ए इक्वल्स टू बी सी, फिर यह एस डी और सी डी, ए डी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू सी डी, और यह जो बी डी है दोनों में कॉमन है, बी डी बी डी दोनों ट्रायंगल में है, यह जो है डायगोनल यह दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं है, दोनों ट्रायंगल में है, लिख देंगे बी डी इक्वल्स टू बी डी, ये क्यों यह कॉमन है और यह दोनों कहां से आया है, बाय डिफिनीशन, डेफिनेशन से आया है, और यह हो गया आपका कॉमन। तो इस तरह से साइड 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 बाय साइड 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 ट्रायंगल ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी, तो यह भी हम लोग प्रूफ कर ले, तो तीनों इसका प्रॉपर्टीज हम लोग क्या कर दिए हैं, प्रूफ कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्वेश्चंस जो भी दिया है बुक में हम लोग उसको देखेंगे।